तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास ऑप्शन थे दो, कि हम या तो जा सकते हैं पिडेमोर की द लेयर ऑफ किंग नाइट, या फिर हम जा सकते हैं द लिचार्ड लेयर ऑफ स्पेक्टर नाइट। तो हम ऐसे रैंडमली अगर हम सिलेक्ट करना चाहें तो चलो फिर हम पहले तो हमारे पास एक ही म्यूजिकल नोट वाला है, ये पहले हम वो बार्ड को लौटा देते हैं ताकि मतलब कुछ घूमेगा घूमेगा और फिर अब हमारे पास 800 हो गए हैं। तो क्या 800 का कोई सामान था क्या, एक बार अगर चेक कर लेते हैं। कोई वो नहीं, हम ये शायद बेच सकता कुछ 800 कुछ नहीं है। ठीक है भाई सॉरी, नहीं देना तुम्हारा सामान, पैसे नहीं है हमारे पास इतने। तो 1500 तो इकट्ठे करने में कोई ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और सॉरी कर सकते हैं। अरे ये ऊपर एक और चेस्ट आ रहा है, ये भी मैं लेना भूल गया। चलो ठीक है बाद में आ जाएंगे। ठीक है तो हम ऐसा करते हैं, हम पिडेमोर कीप से जाते शुरू लेयर ऑफ किंग नाइट, उसके बाद फिर हम जाएंगे स्पेक्टर नाइट से। तो आओ शुरू करते हैं। शार्पन दाय शवल लिखा था शायद। तो हम 1:30 से हमने किया है शुरू ये वाला लेवल, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम कितना कर सकते हैं, कितना फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर आता है तो फिर हमारा मेन एम फिर होना चाहिए कि कितना फास्ट हो सकता है। पर ऑफकोर्स हम ये चीज़ चाहेंगे कि मतलब हम सारे के सारे ये सब भी लेने का कर रहे हैं। तो ये लावा गिर रहा है, ये थोड़ी सी किस टाइप की वाइब दे रहा है, तुमने वो खेला होगा अपना सुपर मारियो में। तो सुपर मारियो में हर एक स्टेज की जो फोर्थ हार वाली होती है, जैसे कि 8-4, 7-4, 6-4, 5-4, तो उसमें जैसा कि एक कासल टाइप आता है ना, तो ये भी कासल ही है, वैसा ही लग रहा है बिल्कुल। तो ये और किस टाइप के बिल्डिंग है कुछ, अब चलते हैं, अब रुकते हैं। अगर ज़्यादा ही कोशिश करूँ कि अगर मैं ये हर बार कोशिश करूँ कि मैं मतलब हर एक अटेम्प्ट में अगर मैं करने की चाहूँ कि अरे वहाँ पे अपने क्या लगा अपनी एक हेल्प कैसे कम होगी। हाँ तो मैं ही बोल रहा था कि अगर मैं एक बार में एक से ज़्यादा अगर वो लावा वाले करने का ट्राई करता तो फिर उसमें फिर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें लगभग क्या है फील इन द सेंस एक हेल्थ तो वैसे कम हो ही गई है। और तो ये मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे होगा क्या बोलते हैं मतलब यहाँ पे कुछ वो होगा। तो हाँ सॉरी मैं क्या बोल रहा था कि पिछले जगह पे मुझे कैसे पता चला कि ये दीवार तोड़ने से यहाँ पे कोई चेंज इन सीक्रेट पार होगा। तो फिर तुम लोग देखना कि अगर कोई दीवार को ऐसे कोई टूटने वाली होगी अगर, तो फिर उसमें अलग ही वो होगा, उसमें टेक्सचर अलग होगा जैसे मैंने पहले बताया। और ठीक है और हम बढ़ते हैं और आगे। ठीक है ये हमने मारा, आ गया। उसके अच्छा तो वो जो आ रहा था हमें उस पर जंप करके ऊपर चढ़ना था, पर हमने अब वही उनको गवा दी, चांस गवा दिया। तो ये ऐसे चेक पॉइंट आते जा रहे हैं और फिर ऐसे ये करते जाएंगे। तो भाई पहले गिरने दो फिर जाओ आगे, इसको सही है पहले थोड़ा ट्रिगर कर लो कि ये गिर जाए और फिर ये वाले से हम ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो गिरने के पहले अगर हम चढ़ते नहीं तो फिर आगे नहीं से हम चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ा सा टफन है। तो ये कैसे होगा,
तो ऐसे कि ठीक है, तो फिर हम पहली बार गेम मरे और फिर तो टोटल चेक पॉइंट कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 6 पे है ना। ठीक है, हम चेक पॉइंट के थोड़े पास मरे हैं। तो हम पहली बार अभी हम मरे हैं शवल नाइट में, और फिर हमने सीखा है कि इसमें मरने से ज्ञान क्या होता है, इसमें मरने से किस टाइप का वो होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो ऐसा इसमें ऐसा है कि ये जो हमारे जो भी पैसे हैं वो सब कुछ बढ़ जाएंगे, और फिर हमें फिर से थोड़ा सा और अच्छे से देखना पड़ेगा कैसे होगा रिकवर। 1 50 1 50 1 50 1 50 अगर हमने वो रिकवर करने से पहले अगर हम मर गए तो फिर वो हमें फिर से नहीं मिलने वाला, और वो फिर मतलब वो पैसे हो गए। तो इसको जाने का तरीका क्या होगा? या अब ये मतलब कंपल्सरी नहीं है यहाँ जाना, ये यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं इधर से ऊपर से, मगर अब करना है तो अच्छे से क्या करें। बिल्कुल हो गया, और फिर यहाँ पे आके खड़े रहना है, और फिर मैंने दबाया, अरे वाह, और फिर हम यहाँ पे आ गए करके, बहुत बढ़िया। और फिर ये हमने खोला, अंदर देखा क्या है। Tester, in the village or on out in the field, I have already. You are not gonna believe what I just found this test here. ये क्या है? Conjure fiery blast, बिल्कुल देंगे हम। Hold plus W, अच्छा ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो ब्लू वाले जो ऊपर जो नंबर लिखे हैं कि उनका काम है क्या, तो हम इनसे मैजिक कर सकते हैं, हम अलग अलग मूव कर सकते हैं इससे, और फिर W और J दबा के अगर हम करेंगे तो फिर एक फायरी ब्लास्ट निकलेगा आपसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो वर्किंग आउट इज रियली टोटल लाइक यू नो स्ट्रेंग आई मस्ट इट ऑल। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। और फिर यहाँ से हम निकले, और फिर यहाँ से ये K दबा के किया था, ये K दबा के लगा गलती से, K हम गया था तो पिछले बार वो निकल गया। तो ठीक है, बढ़िया। और वापस जाना मेरे हिसाब से थोड़ा इजी होगा क्योंकि इसके बीच में पड़ता है। अच्छा, रैंडम है क्या? बिल्कुल, और फिर हम ऊपर आ गए। तो ये था, ऐसे अगर तुम भी अगर कहीं फंस जाओ तो फिर तुम्हारी मर्जी है तुम्हें ट्राई करना है कि नहीं। और एक पहले मारो, एक मर गया, इसको पीछे से वहाँ मार सकते हैं। और फिर एक सारे एनिमीज का हिट पॉइंट भी याद रखना अच्छी बात है, अच्छी प्रैक्टिस है। अरे यार नहीं, ये तो बड़ी ही वो है यार कि मतलब हर बार ये नहीं आएंगे। ये कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखते क्या है, इसमें कुछ अच्छा होगा। अरे बाप रे, तो इस तरफ भी था कुछ, आइए देखते हैं कि इस तरफ क्या है। ये तो पैसे कमाने का ही तरीका, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अरे यार वहाँ से ऊपर जाने का था तरीका, अपने को उस पर जंप करना भी चाहिए था। चल ठीक है, यहाँ से चलने चल जाएंगे ऊपर, देखते हैं कि यहाँ से जाने से क्या होता है। तो ये हम आ गए हैं एक और चेक पॉइंट पे, और चेक पॉइंट तो यार अच्छा होता ही है, अच्छा है। तो तुम लोग ने ये नोटिस किया होगा कि जो हमने जो पहला जो लेवल खेला था 2 वीडियोज़ पहले, तो उसमें जो चेक पॉइंट वाला होता था उसके ऊपर फेदर्स बने हुए थे, और फिर वो मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते थे। मगर इसमें तुम देखोगे कि ये ब्रेक हो सकता है, अगर मतलब मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ नहीं, मगर अगर गलती से अगर तुम उस पर अगर लैंड हो गए तो फिर वो उसको ब्रेक करेगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप
किसी को हेल्प बड़ा खा रहा है किसी तो इससे मारने का तरीका ऐसे नहीं होता कुछ तो हेल्थ बहुत कम हो गई यार पर मारे 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 बना देते हैं चलो भाई हेल्थ तो फुल मिल गई कम से कम यही अच्छा हुआ कि उसने हेल्थ दी तो हम अरे देखा 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 तो ये है W दबा के और फिर और W अरे देखा ये देखा तुम देखा अब ये चेक पॉइंट वाले इस पर स्क्रैच आ गए हैं और फिर अगर इस पर एक दो और पड़े तो फिर वो गया तो ये भाई ये देखना बहुत ज़रूरी है कि तुम गलती से तुम चेक पॉइंट वाले को ही ना फोड़ दो क्योंकि अगर वो वाला चेक पॉइंट गया तो फिर अगली बार जब तुम मरोगे तो फिर जो सेकंड लास्ट जो था चेक पॉइंट तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा और ये सब कुछ आखिर प्रोग्रामिंग से ही हो रहा है मतलब कि पहले वाला जाएगा चेक पॉइंट की बाद वाली जाएगा सब कुछ चाहिए एक अच्छा गेम इस पर करता है डिपेंड कि वो किस तरीके से वो टेस्ट केसेस को हैंडल करता है कि अगर कोई भी प्लेयर चाहे कुछ भी करे अरे शोर हो गए तो कोई भी प्लेयर कोई भी प्लेयर चाहे कुछ भी कह करे किस हिसाब से गेम वो सारी कंडीशंस को डील करता है अगर वो अच्छा ही से कर पा रहा है तो बढ़िया है दो ये भी नहीं मिल रहे और इस तरफ और देखते हैं अरे इन सभी भी है पीछे पी पी कुछ अच्छा तो मतलब इसका तुम समझो मैकेनिक कि तुम इसको जितनी देर के लिए खोलोगे थोड़ी देर देने के लिए ये खड़ा रहेगा और फिर उसके बाद फिर ये फिर हट जाएगा फिर से ये देखो जैसे कि ये आए हैं मैं और इसे तुम आखिरी बार जब से हिट करोगे उसके बाद फिर वो कितनी देर रहेगा और जल्दी और बच गए बहुत बढ़िया वहाँ पे ज़रूरी था नहीं कि अरे बात कि हमें उससे लड़ना ज़रूरी है वो चूहे से उड़ने वाले चूहे से क्योंकि अगर अपन उससे अगर लड़ने गए होते तो इतनी देर में तो वो बुक बंद भी हो गई होती ठीक है और यहाँ पे और कुछ नहीं और इस तरफ तो ये फिर से ये बड़ा बेकार वाला है ये इस बार बस एक ही गई हेल्थ इसको मारना है तो मुझे लगता है अब हम जो इस स्टेज का जो बॉस है यानी कि किंग नाइट हम उसके पास में आ रहे हैं और ये है किंग नाइट एंड इंटरलूपर इज इन आवर मिस्ट बी गॉन फ्रॉम आवर थ्रोन रूम नेव तो फिर अब ऐसा है कि हमने पूरा ये स्टेज किया है क्लियर और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किंग नाइट को कैसे हराएंगे और फिर किंग नाइट को कैसे हराना चाहिए और फिर किंग नाइट एक बड़ा ही अच्छा फाइट है बहुत मैंने मुझे याद तो है इससे लड़ना क्योंकि मैंने ये इससे लड़ा है और स्पेक्टर नाइट से भी लड़ा है तो इसकी फाइट बहुत ही अच्छी है तो बी श्योर नॉट टू मिस द नेक्स्ट वीडियो तो क्योंकि इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम लड़ेंगे किंग नाइट से तो फिर अगर ये वाला वीडियो तुमको आया हो पसंद तो फिर तुम इसमें लाइक कर सकते हो अगर तुम्हें चैनल पसंद आ रहा है अगर तुम्हें चैनल का कंटेंट पसंद है अगर तुम्हें गेम्स खेलना पसंद है तो फिर तुम ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और फिर मतलब नोटिफिकेशन अगर ऑन करना है तो कर सकते हो कोई वो नहीं है और तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही और थैंक्स फॉर वॉचिंग।